Hello everyone, I hope you all are doing well. This is Deepa and in today's session we are going to discuss about Friedrich Ratzel जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे. So let's get begin with our topic today. But before I start the session, if you are new to my channel, please चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी के साथ शेयर करना मत भूलना. फ्रेडरिक रैट्ज़ल 1844 से 1904 तक के समय काल में इन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को जो है सामने रखी. लेबेंजरम जो वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो इनके द्वारा ही दिया गया था. लेबेंजरम एक ऐसा टर्म है जो कि डिफाइन करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को. और इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ थी वो बर्लिन जर्मनी में शुरू की थी जूलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली 1869 के टाइम पे. और एंथ्रोपोजोग्राफी जो बुक है वो इनके द्वारा ही दिया गया था. बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने दी थी, स्पेसिफिकली एंथ्रोपोजोग्राफी वॉल्यूम 1 और एंथ्रोपोजोग्राफी वॉल्यूम 2 के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे. 1882 और 1891 में इन्होंने ये जो बुक है वो पब्लिश की थी. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि लेबेंजरम ये वर्ड आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और डिटर्मिनिस्टिक ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को इन्होंने बहुत ही गहराई से स्टडी की थी और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी. वो एक डिटर्मिनिस्टिक फिलोसोफर रहे और कार्ल रिचर के जो थे वो फॉलोअर थे. कार्ल रिचर को उन्होंने गुरु माना था और कार्ल रिचर के जो शिष्य थे वो रैट्ज़ल रहे. और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के फादर माने जाते हैं फ्रेडरिक रैट्ज़ल, ये भी आपको याद रखना है. और एंथ्रोपोजोग्राफी जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये जो दो बुक्स थी ये इनके द्वारा दिया गया था. सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. सो ऐसे ही कॉन्सेप्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए और विल मीट सून. सो थैंक यू सो मच.